हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को जो आपका सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज सेमेस्टर 2 से वीएससी सब्जेक्ट है आपका, और जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए मैं आपको लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न दिखाने वाला हूँ क्वेश्चन पेपर की। ऐसा क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है, तो ऐसा ही पेपर इस सब्जेक्ट का आता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इंस्टा पे प्लीज मुझे फॉलो कर लें, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। तो चलिए फिर देखते हैं कि सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं और कौन कौन से पैटर्न में ये पेपर आता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये जो आपका पेपर है एसओएल में भी यही आता है सब्जेक्ट, रेगुलर में भी यही सब्जेक्ट है, ठीक है, वीएसई में ही आता है। और अब मैं आपको दिखाता हूं, सबसे जो पहला क्वेश्चन है आपका वो शॉर्ट नोट्स का आता है। पहला ही क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स का आता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो आपको किन्हीं दो के ऊपर लिखने हैं शॉर्ट नोट्स। तो 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ रखा है सेपरेशन ऑफ पावर्स। आप इसमें बताओगे कि किस तरीके से अधिकारों का सेपरेशन कर रखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, सेंट्रल लेवल पे एंड स्टेट लेवल पे आप बता सकते हो। एंड उसके बाद है शॉर्ट नोट्स जो दूसरा रखा है वो है लिबर्टी। आप स्वतंत्रता के बारे में बता सकते हो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिबर्टी के बारे में क्या बताता है ना, जितने भी तरीके की फ्रीडम है, मतलब जो भी हमारे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है लिबर्टी के बारे में, वो सारी चीजें आप इसमें बताओगे। और उसके बाद अगला शॉर्ट नोट है एंशियंट कॉन्सेप्ट ऑफ राइटसनेस, ठीक है। या यहाँ पे लिखा हुआ है कि सन्मार्ग की प्राचीन अवधारणा, ये आपके सिलेबस में आ रखा है। तो ये 3 शॉर्ट नोट्स आए थे। अब आगे का क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई आप कॉन्स्टिट्यूशन से क्या समझते हो। तो कोई भी ऐसी जो किताब होती है जो रूल्स वगैरह लिखे होते हैं जिसके अंदर, ठीक है, किसी भी देश को कैसे चलाना है, रेगुलेट करना है, वो कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। फीचर्स में आप बहुत कुछ बता सकते हो, ठीक है, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में DPSP है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है एक मतलब राइट्स दिए गए हैं फंडामेंटल सभी को, सेपरेशन ऑफ पावर्स है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, और जुडिशरी को सबसे ऊपर रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये सारी चीजें आप इसमें बता सकते हो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेन मेन फीचर्स क्या हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, शुड फंडामेंटल ड्यूटीज बी जस्टिसिएबल, डिस्कस। तो जो मौलिक कर्तव्य है ना, मौलिक कर्तव्य या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज आपने पढ़ी होंगी कि हमें अपना नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, ये मतलब इन सभी की रक्षा करो, और मतलब अगर कहीं कचरा दिख रहा है तो डस्टबिन में फेंको, और मतलब स्वच्छता रखो अपने आसपास। बहुत सारी ड्यूटीज होती हैं, जहां पर हमारी कुछ राइट्स होते हैं वहीं पे हमारी कुछ ड्यूटीज भी होती हैं। तो ये इसके ऊपर आपको लिखना है, 10 नंबर का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि डिफाइन जस्टिस, आपको बताना है जस्टिस का मतलब क्या होता है। तो आप बता सकते हो कि किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, ठीक है, ना ही उसके मतलब रेस के आधार पर, ना जेंडर के आधार पर, और कहीं से भी वो आ रहा है, ठीक है, उसके साथ अगर किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा तो वो जस्टिस है। और आपको बताना है ब्रीफली एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, आपको न्याय को बताते हुए हमारे संवैधानिक मूल्यों को बताना है, ठीक है, हमारे संविधान के कौन कौन से मूल्य हैं। तो ये मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे रहा हूँ मैं आपको, प्लेलिस्ट का, आप वो जाके देखना, और वहां पे ये सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी हैं जो भी आपके पेपर में आ रखा है। तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक करके जाना। जय हिंद, जय भारत।